हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट है। ये इसमें काफ़ी सारा वैकेंसीज है। टीजीटी पीआरटी एनटीटी लाइब्रेरियन स्पेशल एजुकेटर एंड अदर्स। तो इसमें साथ साथ में इसमें ये सैलरी ऑफर आ रहा है। इसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल में और बढ़िया सैलरी पैकेज दिया जाता है, करीब 50,000 प्लस। उसके इसके साथ ऑल सब्जेक्ट ऑफर आ रहा है। इसके साथ साथ में पीएफ ग्रेचुटी फी ट्रांसपोर्टेशन फ्री चाइल्ड एजुकेशन की भी सुविधा दे रहा है। न्यू नोटिफिकेशन अप्लाई फॉर्म ऑल स्टेट्स से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी सब्जेक्ट में अब लोग साथ डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट में जाने से पहले जो दोस्त लोग हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल में नया विजिट करें उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सिलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट रिच टू रिच योर एट इन्फॉर्मेशन। अच्छा लगे शेयर विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हुज आर एलिजिबल एंड एप्लीकेबल। ओके और ओके चलते सब्जेक्ट में। देखिएगा हम वी आर हायरिंग एट द रेट दिल्ली पब्लिक स्कूल। वी आर लुकिंग फॉर प्रोग्रेसिव एंड पैशनेट एडुकेटर विथ ए ग्रोथ माइंड सेट फॉर ऑल सब्जेक्ट। देखिएगा प्री प्राइमरी के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री और पीजी डिप्लोमा इन एआरडी चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए एक्सपीरियंस 2 to 3 ईयर्स फ्रेशर्स विथ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल में अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए क्वालिफिकेशन ट्रेंड ग्रेजुएट्स एक्सपीरियंस 2 to 3 ईयर्स। पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन ट्रेंड ग्रेजुएट्स एक्सपीरियंस 3 to 5 ईयर्स इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। और पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस 5 to 7 ईयर्स इन रिकॉग्नाइज स्कूल्स। लाइब्रेरियन क्वालिफिकेशन लेट और एक्सपीरियंस 3 to 5 ईयर्स इन ए रिकॉग्नाइज स्कूल। काउंसिलर क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजियोलॉजी क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट और एक्सपीरियंस 5 to 7 ईयर्स इन ए रिकॉग्नाइज स्कूल। स्पेशल एडुकेटर के लिए क्वालिफिकेशन डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन एक्सपीरियंस 2 to 5 ईयर्स इन ए रिकॉग्नाइज स्कूल। अदर्स देखिए अदर्स में म्यूजिक आर्ट एंड क्राफ्ट डांस लैब असिस्टेंट थिएटर फिजिकल एजुकेटर अच्छा अकाउंटेंट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा एस्टेट मैनेजर अच्छा ट्रांसपोर्ट मैनेजर आईटी मैनेजर अच्छा सेफ्टी ऑफिसर एचआर फ्रेंड। तो देखिएगा इसमें पे स्केल एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ 7th पे कमीशन दिया जाएगा। अच्छा आधा लिबरल पार्ट्स लाइक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूटरी पीएफ डीए एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स लीव एनकेजमेंट ग्रेचुटी फ्री ट्रांसपोर्टेशन फ्री एजुकेशन टू ऑफस्प्रिंग ऑफ कन्फर्म स्टाफ कन्फर्म जो टू ऑफस्प्रिंग द कन्फर्म स्टाफ जो कन्फर्म हो जाएगा। इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल रहते थे जो जिसका रेगुलर बेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा उनके लिए। अच्छा फॉर्म आर अवेलेबल ऑन द स्कूल ऑफिशियल वेबसाइट अच्छा कैंपस एड्रेस चंदोली मानसरी बाय पास ऑफ द वाराणसी फोन नंबर दिया गया। देखिए ये वाराणसी जॉब प्लेस रहेगा वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो ये जॉब प्लेस वाराणसी रहेगा उत्तर प्रदेश। तो इसे जो टर्म्स एंड कंडीशन अगर मीट होता है जो भाई लोग
इंटरेस्ट एंड एलिजिबल कैंडिडेट, तो ये देखिएगा, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी से ये नोटिफिकेशन मिला है। तो इसी में आप लोग ये जो टर्म्स एंड कंडीशन मीट करते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। नोटिफिकेशन के लिए डायरेक्ट देखिएगा, ये इसका नोटिफिकेशन के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी डीपीसी सोसाइटी न्यू दिल्ली सीबीएसई एप्लीकेटेड, ऐसे इसमें जाइए स्क्रॉल करके। इसमें स्क्रॉल करने के बाद एक कैरियर कैरियर उसमें चला जाइएगा, देखिएगा एक कैरियर कैरियर में जाइएगा, उसके बाद रिक्रूटमेंट ऐड, रिक्रूटमेंट ऐड ये जो नोटिफिकेशन हम लोगों को साथ शेयर किया ये नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद वो नोटिफिकेशन को कैर पूरी पढ़ने के बाद उसको टीचर एप्लीकेशन फॉर्म, ये टीचर एप्लीकेशन फॉर्म खोलने के बाद ये आ जाएगा इसको गूगल फॉर्म, ये गूगल फॉर्म के द्वारा आप लोगों को फिलअप करना है। ये गूगल फॉर्म को आप लोग जो स्टार मार्क है कंपलसरी, बाकी अब जो नहीं है मैंडेटरी है। इसके फिलअप करने के बाद देखिएगा इसमें कॉर्नर में एक दिखा रहे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी स्टाफ रिक्रूटमेंट फॉर्म, ए फॉर्म है क्लिक हेयर, आप क्लिक हेयर फॉर पेमेंट इफ रिक्रूटमेंट फॉर्म इज ऑलरेडी फिल, तो अगर रिक्रूटमेंट फॉर्म ऑलरेडी फिल हो गया तो क्लिक हेयर। तो इसमें अगर देखिएगा आप लोग मेरे को तो इसमें नोटिफिकेशन में कोई फीस वगैरह का बताया नहीं, अगर आप लोग भरने के बाद कोई फीस वगैरह बताते तो कमेंट में बताइएगा, तो बाकी और सभी को हेल्पफुल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल हो। जय हिंद, भारत माता की जय। और चलते चलते प्यारा से एक लाइक एंड कमेंट छोड़िएगा, जो कि हम लोग वीडियो बनाने में मोटिवेशन बनाते रहेगा बना रहेगा, ऐसे टाइप का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।